आर बैक विद अ न्यू रेसिपी। आज जो हम बनाने जा रहे हैं उसे सिवई उपमा कहते हैं। ये वन पॉट मील भी बोला जाता है। और इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स लेने वाले हैं वो है, हमने काफ़ी सारी वेजीज ले लिए, आप आपकी चॉइस की ले सकते हैं। हमने फ्रेश फ्रेंच बीन्स ले लिए, कैरेट्स ले लिए हैं, कैप्सिकम ले लिए, शिमला मिर्च, पीज ले लिए, मटर, कॉर्न ले लिया है, स्वीट कॉर्न, पालक ले लिया है, स्पिनच, थोड़ा सा मिंट लीफ और कोरिएंडर लेंगे हम गार्निशिंग के लिए, पटेटो ले लिए हमने, और मसाले में हमें लगेंगे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, जीरा, क्यूमिन सीड्स, टर्मरिक पाउडर, हल्दी और राई, हींग ले लिए हमने, सॉल्ट लगेगा हमको, और ऑब्वियसली बेस इंग्रेडिएंट जो है वो है सिवई, जो हमें लगेगी वर्मीसली। तो वो हमने एक ऑलमोस्ट 350 टू 400 ग्राम्स के आसपास ले लिए, और ऑयल लगेगा हमें कुकिंग के लिए, और थोड़ा सा पानी लगेगा। तो चलिए अपने रेसिपी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो है हमने एक बड़ा पैन ले लिया और उसमें वर्मीसली डाल देंगे, सिवई डाल करके उसे रोस्ट करेंगे अच्छे से, हल्का सा ब्राउनिश होना चाहिए। ऑफ फ्लेम कर लेंगे। अब जो हमारी वर्मीसली है यानी सिवई वो अच्छे से रोस्ट हो गई है, तो हम इसे ऑफ फ्लेम ले लेंगे। स्प्लिट होने देंगे, हाफ अ टीस्पून अब इसमें हम जीरा ऐड कर रहे हैं। ग्रीन चिली जो हमने कट कर दी थी वो डालेंगे, एक पिंच हम इसमें हींग पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें बीन्स ऐड कर रहे हैं, तो जो है थोड़ा सा ऑयल में सॉट कर देंगे। एक 1 मिनट सॉट करने के बाद अब हम इसमें पोटैटोज ऐड कर देंगे। तो जो 2 पोटैटो हमने चॉप कर दिए थे उसे हमने ऐड कर दिया। इसमें हम डाल देंगे टर्मरिक पाउडर, तो 1/3 टीस्पून हमें लगेगा टर्मरिक पाउडर इसमें। इसे हम ढक्कन दे करके 2 to 3 मिनट के लिए कुक कर देंगे।
नेक्स्ट हम इसमें पीस यानी मटर और स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर देंगे। टू टू थ्री मिनट के लिए हम इसे भी अब कुक होने देंगे। हम डाल रहे हैं इसमें कैरेट्स और शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अराउंड 1 टीस्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किए। इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, तो अराउंड 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डालेंगे बिकॉज वेजीज हमारी काफ़ी है और सिवई भी है, बट आप एज पर टेस्ट सॉल्ट ले सकते हैं। हल्का सा जो है पानी का छींटा मार देंगे। बेसिकली ये हमारी मोर देन हाफ कुक्ड हो गई है सारी वेजिटेबल। पालक जो है वो हम एकदम लास्ट में डालेंगे और गार्निशिंग के लिए मिंट लीफ और कोरिएंडर जो है वो एकदम एंड में डालेंगे। एक वेजीज हमारी थोड़ी और बेटर कुक हो जाए, कैप्सिकम और कैरेट्स भी, तो फिर हम इसमें वर्मिसली ऐड कर देंगे। 2 मिनट के लिए जो है वो हमने वेजीज को कुक कर लिया था, ऑलमोस्ट श्रिंक हो गई है। अब हम रोस्टेड वर्मिसली जो हमने ली थी थोड़ी सी ब्राउनिश हो गई, उसे इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से जो है बैच बाय बैच ऐड करके इसे वेजीज में मिक्स कर देंगे ताकि आप देख रहे हैं कि ये कलर मेंटेन रहेगा और लम्स नहीं बनेंगे। अब हम इसमें इसे जो है सोक करने के लिए पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। वन एंड हाफ ग्लास अभी हमने पानी डाला है। मिक्स करते रहेंगे ताकि ये बहुत ज्यादा स्टिकी ना हो जाए। अब देख रहे हैं हमने जो पानी ऐड किया था वो ऑलमोस्ट सोक हो गया है। थोड़ा पानी अब हम फिर से ऐड कर देंगे, 1 ग्लास। अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हमें और कुक करना होगा, तो अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे।
मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है कवर करके, तो कवर कर देते हैं और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। बैचेस में हमने 4 ग्लासेस ऑफ वाटर ऐड किया था, डिपेंड करता है आप कितनी मिसली या सिवई लेते हैं। तो वेट करते हैं हमारी फाइनल स्टेज की। सेवई उपमा बोल सकते हैं या वर्मिसेली नूडल्स बोल सकते हैं, वो एकदम रेडी है। तो आप भी बनाइए, खाइए ये 1 pot meal और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अब भी नहीं किया है तो। एंजॉय।